उधर वूल इंडस्ट्री की होटल है, ये वूल इंडस्ट्री है, ये एक वूल इंडस्ट्री है। वूल इंडस्ट्री का जो कच्ची ऊन की धुलाई का पानी हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वो पानी जो है यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, ये पानी को, ये वाला आप पानी देख रहे हैं कितना गंदा है, ये पानी को एजिटेट करके हम इसमें डोजिन डालते हैं। डोजिन हमारी एक एक्वा के साथ है और एक पॉली के साथ है, हाँ नीचे है गेरी, एक्वा और पॉली के साथ हमारी डोजिंग चल रही है। डोजिंग इधर आ गई है, एजिटेटर इसमें लगा हुआ है, एजिटेटर के बाद पानी फट गया है तो ये स्लज एक्टिवेट हो गई है पानी में। ये स्लज को हम जो है ये ट्यूब डेक मीडिया इसमें डला हुआ है, उस ट्यूब डेक मीडिया में हम ले आते हैं तो काफ़ी हद तक पानी हमारा ट्रीट हो जाता है और इसमें स्लज नीचे बैठ जाती है और बैक्टीरिया भी ग्रोथ हो जाता है इसमें, और तो बायोलॉजिकल ग्रोथ भी इधर बन जाती है, तो पानी काफ़ी हद तक हम यहाँ पर ट्रीट कर लेते हैं। आगे चल रहे हैं, इस पानी को हम सेकंड प्रोसेस में लेके जाएंगे, जो सामने आप नज़र आ रहे हैं टैंक्स, सेकंड प्रोसेस में लेके जाने के लिए हम यहाँ से इस पानी को उठा लेते हैं। इधर से इस पानी को उठा लिया गया है और सेकंड चैम्बर में हम लेके जा रहे हैं। आइए, अब सेकंड चैम्बर में हम जा रहे हैं। इधर हम आ गए हैं तो यहाँ पर हम सेकंड चैम्बर में लाइन और पॉली और इससे क्या नाम है दूसरा क्या है अपना से ट्रीट कर रहे हैं इसको, पानी को आप देख रहे हैं एरिएशन साथ में चल रही है दोनों चैम्बर में। तीसरे चैम्बर में फिर हम सेटलर टैंक है, ये सेटल कर रहे हैं इस पानी को, सेटल करके हम धीरे धीरे इस पानी को दूसरे चैम्बर में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमने ट्यूब टेक मीडिया को बिछाया हुआ है, इस पानी को आप खुद देख ही रहे हैं कितना गंदा पानी है और इसकी कितनी स्लज बन गई है। इसके बाद ये ट्यूब टेक मीडिया में फिर दोबारा से आ गया है, लेकिन पानी आप देख रहे हैं ट्यूब टेक मीडिया में 100% प्योर हो गया है और ट्यूब टेक मीडिया नीचे नज़र आ रहा है, पानी ऊपर सामने हमें नज़र आ रहा है। थोड़ा ऊपर ले लेंगे उसको, देखेंगे तो बिल्कुल आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये पानी नेक्स्ट चैम्बर में हमारे पास आ रहा है। ये क्रिस्टल क्लियर पानी हमारे को मिल रहा है यहाँ पर, तो देखेंगे ये पानी बिल्कुल साफ हो गया है और हमारा पानी अब इसको हम गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से और रीयूजेबल के हिसाब से काम कर सकते हैं। ये पानी अपने आप में तो बहुत प्योर पानी है।